धोखर रायमंडली पुलिस टीम के द्वारा हत्या घटना का खुलासा किया गया। हम आपको बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने हत्या का खुलासा किया है। कुछ दिन पहले रोहन लाल यादव निवासी ग्राम मजरे पूरे बाराडी थाना कोतवाली सलोन के द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनका पुत्र जोगेंद्र यादव उर्फ विकास यादव लापता चल रहा है और उसका कोई भी अता पता नहीं चल रहा है, जिसको देखते हुए पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और उसने मुकदमा अपराध संख्या 483/2020 धारा 364 पंजीकृत किया। हम आपको बताएं कि पुलिस अधीक्षक शिव कुमार के निर्देशन पे तथा अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी अंजनी श्रीवास चतुर्वेदी के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक को गिरफ्तार किया गया है। वांछित अपराधी गिरफ्तार हो गया है, जिसका नाम धर्मेश यादव पुत्र नाथूराम यादव निवासी पूरे जुगराज मचरे कचौंदा मोदीनपुर थाना बदोकर को भावपुल के पास गिरफ्तार किया गया है। रंजिश के चलते हत्या की गई है, आपसी रंजिश के चलते हत्या की गई, उसके पास से एक अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई है। S7 की डेस्क रिपोर्ट। थाना भदोकर क्षेत्र में 23 दिसंबर की एक घटना है, दिसंबर माह की एक घटना है, जिसमें विकास उर्फ जोगेंद्र यादव नाम का एक युवक लापता हो गया था, जिसकी सूचना उसके परिजनों द्वारा थाना भदोकर पर दी गई थी। इसमें क्षेत्राधिकारी नगर डॉक्टर अंजनी चतुर्वेदी के नेतृत्व में ये और इंस्पेक्टर भदोकर के नेतृत्व में ये टीम लगाई गई और उन्होंने काफ़ी मेहनत के उपरांत इस घटना का खुलासा किया और इसमें जो पूरी बात निकल के आई उसमें ये कि मृतक का जो गुमशुदा था उसका एक दोस्त जिसका नाम धर्मेश था, ये दोनों लोग शटरिंग का काम करते थे और मृतक या गुमशुदा उसको जो है कुछ घाटा हुआ, जिससे उसने अपना सामान शटरिंग का सामान बेच दिया इसको और धर्मेश जो इसमें अभियुक्त है उसके द्वारा उसको कुछ पैसा दिया गया और कहा गया कि जो है हम और कुछ पैसा देते रहेंगे, लेकिन धर्मेश का ये कहना है कि विकास यादव ने हमें काफ़ी परेशान कर दिया और कई तरह से हमको धमकी दी और कई अन्य बातों में इसने परेशान भी किया। इस बात को लेकर धर्मेश ने ये निश्चय किया कि मैं इसको मार दूंगा और इस क्रम में उसने एक योजना बनाई और अपने मित्र विकास यादव जो कि आर्थिक रूप से परेशान चल रहा था उसको एक लालच दिया कि उसके पास कुछ सोना है जिसको अगर वो बिकवा देंगे तो उसका कुछ पैसा अदा भी हो जाएगा और उसको पैसा मिल जाएगा जिससे वो अपना बिजनेस शुरू कर पाएगा, लेकिन उसके पास सोना वोना कुछ नहीं था। उसने सोना देने के बहाने रात में उसको अपने पड़ोस में चलने वाली एक बड़ी नहर के पास बुलाया और बुलाने के बाद सर पे उसको पीछे से डंडे से वार करके उसकी डेड बॉडी को जो है वो नदी में डाल दिया और मोटरसाइकिल को ले जाके करीब 3 किलोमीटर दूरी पर सुनसान जगह पर खड़ा कर दिया। फिर इस पूरे क्रम में पुलिस द्वारा सर्विलांस का और मुखबिर का पूछताछ का और तमाम चीज़ों का साक्ष संकलन करके सबूतों को इकट्ठा करके कार्रवाई की गई और उसके बाद धर्मेश यादव को गिरफ्तार किया। धर्मेश यादव ने अपना जुर्मी इकबाल कर लिया है और उनके द्वारा जो उसकी तमाम चीज़ें थी जैसे कि मोटरसाइकिल चाबी मोटरसाइकिल उसका आधार कार्ड उसका पर्स वो सब रिकवर कर लिया गया है और अभियुक्त धर्मेश को न्यायिक अपेक्षा के लिए। शव कहाँ से बरामद हुआ सर? अभी शव बरामद नहीं हुआ है क्योंकि ये 21 दिसंबर के आसपास की घटना है और वो नहर पूरी तरीके से चल रही है, उसको बरामद करने की कोशिश की।